नमस्कार। जिले भर की तमाम ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पन्ना रोड में चल रही कॉलोनी के निर्माण में जो कि गौचर की भूमि पर काबिज की जा रही है, उसके बारे में तमाम शिकायतें की गई हैं और एसडीएम द्वारा इसकी जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा गढ़ी मलहरा में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया और यहां पर पहुंचे टीआई के साथ लोगों ने मारपीट भी कर डाली। और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। गोचर भूमि पर बन रही लोटस सिटी पर लोगों ने की रोक लगाने की मांग, एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश। युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे पर किया गया चक्का जाम, टीआई के साथ ग्रामीणों ने की झूमाझटकी। गौरगाय पटवारी पर युवक ने लगाए रिश्वत मांगने के आरोप, कुएं के सीमांकन के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत। और गांधी आश्रम में चल रही है अभिनय कार्यशाला, दिल्ली से आए हुए एक्सपर्ट सिखाएंगे अभिनय की बारीकियां। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। शहर के पन्ना रोड पर लोटस सिटी नाम से प्लाटिंग की जा रही है और यहां पर करोड़ों की लागत के प्लॉट बेचे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 करोड़ रुपए है। कुछ लोगों द्वारा एसडीएम कोर्ट में इस बात की शिकायत की गई है कि ये भूमि गौचर की है और इस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही है। ये प्लॉटिंग शरद अग्रवाल नाम के व्यवसायी द्वारा की जा रही है। शिकायत के आधार पर एसडीएम डीपी द्विवेदी ने इसके जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सर, छतरपुर के पन्ना नाके पे भूमाफियाओं द्वारा गौचर की जमीन पर कब्जा करके प्लॉट बेचे जा रहे हैं, किस तरीके का मामला है, क्या जांच करेंगे? इस तरह की कल मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि जांच के लिए तहसीलदार को भेज दिया। गढ़ी मलहरा थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुर्राहा में स्कूल की बाउंड्री के अंदर एक युवक की लाश मिली थी। उसके बाद से गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तीन दोस्तों पर ही उसके मर्डर का शक परिवारजनों द्वारा दर्शाया गया और उसकी रिपोर्ट भी गढ़ी मलहरा थाने में की गई। मृतक का नाम विष्णु चौरसिया बताया जा रहा है। पुलिस ने हालांकि दो लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन तीसरे के हिरासत के लिए यहां पर सड़क पर चक्का जाम कर दिया गया। इसके बाद गढ़ी मलहरा टीआई रामविशाल तिवारी जब यहां पर पहुंचे तो गांव के लोगों ने और खासतौर पर महिलाओं ने उनके साथ झूमाझटकी भी कर डाली। बताया जा रहा है कि कुर्राहा के स्कूल में विष्णु चौरसिया नाम के एक युवक की लाश मिली थी और उसके बाद परिवारजनों ने उसके दोस्तों रमेश चौरसिया, मुस्लिम रंगरेज और इकबाल टेलर पर शक जताया था, जिसमें पुलिस ने 302 का मुकदमा कायम कर दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। गढ़ी मलहरा में चक्का जाम लगा था तो खुल गया है। वहाँ पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी मौके पर मौजूद हैं। घटना ये है कि कल दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि पुर्राहा गांव के पास एक बहुत सकरे कुएं में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके पर गई और शव को निकाला। शव लगभग 4-5 दिन पुराना है, डिकम्पोज स्थिति में है। उसका मर कायम करके मुकदमा कायम किया गया, पोस्टमार्टम कराया गया। उस पर जो कुछ दिन पहले ही, 3 दिन पहले उसकी गुमशुदगी भी थाने में कायम हुई थी और उसके बाद लोगों का एक कुछ किसी व्यक्ति पर शक है कि उसके साथ देखा गया था, तो हो सकता है कि उसका जो घटना घटित हुई हो उसमें वो शामिल हो। तो जिस व्यक्ति पर संदेह है वो उससे पुलिस पूछताछ कर रही है और जो शव है वो विष्णु चौरसिया गढ़ी मलहरा रहने वाले हैं, उनका है। बाकी पुलिस का भी जाम के दौरान पुलिस के साथ, पुलिस जब बातचीत कर रही थी और उनको जब संदेह दी जा रही थी तो वहाँ कुछ लोगों जो मौजूद थे, कुछ महिला पुरुष, उनको उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है और इस बात का संज्ञान लिया।
गोरगांव के पटवारी मिथिलेश खरे पर रिश्वत लेने का आरोप एक युवक ने लगाया है। उसका कहना है कि कुएं के सीमांकन के नाम पर उससे 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रशांत असाटी नाम के एक युवक ने एक शिकायती ज्ञापन भी इस संबंध में सौंपा है। हम आपको बता दें कि मिथिलेश खरे के पति आनंद, जो कि एक वेटनरी विभाग में कार्यरत हैं और बीजापुर में हैं, लेकिन वे भी अक्सर अपनी पत्नी की सेवा में देखे जा सकते हैं और इसके पहले भी कई बार मिथिलेश खरे की शिकायतें की जा चुकी हैं। हमारी मिथिलेश खरे पति आनंद खरे, आनंद श्रीवास्तव, उनके यहाँ जमीन में कुआ चलवाने के लिए गए थे तो उसमें वो रिश्वत मंगा रहे थे 30,000 रुपये, और 30,000 रुपये वो मंगा रहे थे। उसमें वो कह रहे हैं कि जो काम करवाना है वो ऑफिस से करवाइए, आवेदन लगाइए कार्यालय से। आज हम उनके यहाँ गए तो उनने अपने ये कागज फेंक दिए, बंदी फेंक दी और नामांतरण के लिए गए थे। तो वो वहीं जाओ और वहीं से करवा, जो करना है करो, वो नकल फाड़ रही थी। शहर के गांधी आश्रम में इन दिनों भारतीय जननाट्य संघ इप्टा की छतरपुर इकाई द्वारा पिछले वर्षों की तरह एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। 20 दिन तक चलने वाली इस अभिनय कार्यशाला के माध्यम से यहां पर आने वाले लोगों को अभिनय की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके अलावा एक प्रोडक्शन पर काम भी किया जा रहा है। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आए हुए प्रशिक्षकों द्वारा यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे एक थिएटर फेस्टिवल होता है जो हर साल आयोजित किया जाता है वर्कशॉप, तो अभी इस बार जो टीम आई है वर्कशॉप देने के लिए वो दिल्ली में आई है और एक प्ले के लिए तैयारी हो रही है। प्ले से पहले जो प्ले की तैयारी होती है वो एक वर्कशॉप के थ्रू हो रही है। उस वर्कशॉप में थिएटर के, एक्टिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं और वर्कशॉप में बहुत सारे इंडिविजुअल लोगों पर काम करने का मौका मिलता है थिएटर के थ्रू, थिएटर के बारे में जानने का, तो वही सब हो रहा है। यहाँ पे एक वर्कशॉप टाइप से टाइप का काम हो रहा है जिसमें वॉइस को लेके बॉडी को लेके उस पर नाटक को लेके इस पर काम होगा। और इसमें अभी 15 तारीख से शुरू हुआ है, 5 जुलाई तक होगा। 5 जुलाई और 6 जुलाई को एक जो एक्सरसाइज वर्कशॉप हुआ है उसका पूरा यूज़ किया जाएगा उस नाटक में, वो नाटक किया जाएगा। एक बड़ा वाला के अंतर्गत आने वाले ग्राम सड़वा के पास एक ट्रैक्टर पलटने से अचानक उसमें आग लग गई और उसमें सवार ड्राइवर की उसमें फंस जाने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मैसी कंपनी का ये ट्रैक्टर छतरपुर से नरसिंहपुर ले जाया जा रहा था और उस दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। सुबह सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि एक ट्रैक्टर अचानक पलट करके गिर गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें आग लग गई और उसमें बैठे एक व्यक्ति वह भी जल गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। देरी गांव की सरपंच कमला देवी ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि वे अपने गांव में उचित मूल्य की राशन की दुकान का निर्माण कार्य करा रही थी, तभी गांव के ही कुछ दबंगों ने 5 फुट उठी दीवार को तोड़ दिया है। कई दिन गुजर जाने के बाद भी उन पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही। शिकायती ज्ञापन में उन्होंने वीरेंद्र सिंह, फूल सिंह, सत्यदेव सिंह, टिल्लू सिंह और लाल सिंह यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि 25 मई की ये घटना है, उसके बावजूद अभी तक इन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जबकि इनको दीवार गिराते हुए गांव के ही कुछ लोगों ने देखा भी है। पंचायत का काम चल रहा है, दीवार सो रही 10-11 बजे के बाद से काम लगा था, 10-11 बजे रात से कमीशन मंगा रहा था। कौन कौन? 10,000 दीदू फूल सिंह, टिल्लू और ज्यादा लाल सिंह, तो हर काम की कमीशन मंगा रहा था। 10,000 रुपया दे जब काम मार दीदी कट्टर मेरी पंचायत में काम लगा हुआ था, उसे दूध की दुकान पड़ रही जी, और हम लोग काम लगाए थे, दिन में काम किया और रात में वीरू फूल सिंह और सत्यदेव चारों लोगों ने आकर दीवार पटक दी और कट्टा लेके दो गवाह भी हमारे पास, एक गोपाल सिंह और बलबीर सिंह, इन्होंने रोका तो उनके रोकने से माने नहीं और उन्हें मारने के लिए भी दौड़े और लोगों को परेशान कर रहे, मजदूरों को डरा धमका रहे हैं। क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं? आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। शरवई थाना के अंतर्गत अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक गाड़ी जब्त की गई है। इसमें 20 बोतल शराब जब्त है जिसमें 15 देशी और 5 अंग्रेजी शराब है।
बताया जा रहा है कि युवक जैसे ही छापा पड़ा फरार हो गए। युवकों के नाम अरुण मिश्रा और रामजी पटेल बताए जा रहे हैं। कल रात में गश्त के दौरान थाना प्रभारी सरवई को सूचना प्राप्त हुई कि एक इंडिगो गाड़ी में अवैध रूप से शराब का परिवहन किया जा रहा है, तो उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। इसमें करीब 17 पेटी शराब लगभग 40,000 की जब्त हुई है और उसके जो गाड़ी मालिक और भी जो साथी थे वो पुलिस को देखकर भाग गए हैं। पुलिस उनकी भी धरपकड़ कर रही है। नौगांव थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम अचट में एक व्यापारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ लोगों ने पैसे के लेन देन को लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। एक दिन पहले उसके भाई पर भी हमला किया गया था और दूसरे दिन व्यापारी के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया गया। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मूलचंद और शंकरलाल चौरसिया नाम के एक युवक ने सबसे पहले सोनू गुप्ता के ऊपर हमला किया और उसके बाद जब दोनों की रिपोर्ट की गई तो रिपोर्ट वापस लेने को लेकर दबाव बनाया गया और फिर आनंद किशोर गुप्ता पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। श्रीमान जी, मेरे भाई को कल पैसा मारा, पैसे मारे तो मैंने थाने में रिपोर्ट की, कटोली चौकी भी गए तो उससे कहा कि मैडम बोली मैं कल आएंगे तो वह मैडम सुबह गई, उसने कोई कानून कार्रवाई नहीं की और भाग गई। और आज उनको जान से मारने के लिए तो उसने मतलब जिसने पैसा खाला था उसी ने ट्रैक्टर चलाया। सेवा के साथ ने चौरा किया ने आगे ट्रैक्टर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन हम लोगों ने बताया तो बच गया है। क्या ट्रैक्टर चढ़ा दिया क्या? हाँ, मेरा उससे कुछ लेन देन करा था, वो मांगा तो कल हुई थी उससे रखू, कल हम एफ आर आई दर्ज करा गए, पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं सर, पुलिस वाले ना करने की वजह से उसने ट्रैक्टर चला दिया। 14,000 रुपया। बारहवीं के इम्तिहान के बाद ही आपको घेरने लगते हैं सवाल दर सवाल और इन सवालों के हल निकालने की जिम्मेदारी होती है आपके कंधों पर। उच्च शिक्षा के लिए सामने है कॉलेजों की कतार, तरह तरह के प्रलोभन, दोस्तों के साथ जाने की भेड़ चाल से मुक्ति और सिर्फ दिखावे से बचने की जिम्मेदारी है आपकी। सस्ती शिक्षा के चक्कर में पढ़कर ना करें अपने भविष्य से धोखा। सोचें, समझें, फर्क है और फिर प्रवेश लें एक ऐसे महाविद्यालय में जो आपके लक्ष्य यानी उच्च शिक्षा के लिए बेहतर साबित हो। पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में अपनी साख बनाए छात्र छात्राओं को दे रहा है उच्च शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विकल्प। तक्षशिला महाविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से संपर्क। सागर विश्वविद्यालय के अनुभव प्राप्त प्राचार्य के निर्देशन में युवा और अनुभवी प्राध्यापकों की टीम का मार्गदर्शन, लगातार चलने वाले प्रैक्टिकल और एजुकेशन टूर से आपको मिलती है उपयोगी जानकारी, जिसकी सहायता से छात्र छात्राओं ने बनाया विश्वविद्यालय और जिले की मेरिट में अपना स्थान। खेलकूद सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से निखरता है आपका व्यक्तित्व, तो उलझनों के जाल से निकलकर कदम बढ़ाएं उन्नति के शिखर पर और अपने भविष्य को दें नई ऊंचाइयां। तक्षशिला महाविद्यालय के साथ संचालित विषय है MSc मैथमेटिक्स, BSc माइक्रोबायोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन और मैथ एंड बायो ग्रुप, BPA, BBA, BCom कंप्यूटर एप्लीकेशन और BA कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ PGDCA और DCA। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा महाविद्यालय में ही उपलब्ध है। संपर्क करें तक्षशिला महाविद्यालय राजमहल परिसर छतरपुर। अमृता एंड ग्रुप प्रेजेंट उड़ान, अ डिजायर टू फ्लाई, अ मेगा डांस कॉम्पिटिशन। छतरपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है एक मेगा डांस कॉम्पिटिशन जिसमें आप दिखा सकते हैं अपने डांस का हुनर, साथ ही आपको मिलेंगे कई एक्साइटिंग प्राइजेस। छतरपुर के पहले मेगा डांस कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को अमृता ग्रुप आमंत्रित करता है उड़ान के इस विशाल मंच पर, जहां प्रतिभागी जीत पाएंगे फर्स्ट प्राइज के रूप में लैपटॉप, सेकंड प्राइज के रूप में रेफ्रिजरेटर, थर्ड प्राइज LED TV,
4th prize म्यूजिक सिस्टम एंड 5th प्राइज स्मार्टफोन। तो आज ही हिस्सा लीजिए छतरपुर के पहले मेगा डांस कॉम्पिटिशन उड़ान में। संपर्क करें ड्रीम्स डांस स्टूडियो MLD गर्ल्स स्कूल के सामने महल रोड छतरपुर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए संपर्क करें मनोहर टाइपिंग स्टेट बैंक के पास, सहारा टेलीकॉम चौक बाजार, शहनाज कंप्यूटर LIC के पास, अराइज कंप्यूटर स्टेडियम दुकान नंबर 6। हमें फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं 9111614547। नौगांव के रहने वाली रतिबाई अहिरवार ने पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि उनके पति द्वारा SBI के एक ATM से पैसे निकाले गए, लेकिन उसी दौरान वहां पर मौजूद एक व्यक्ति द्वारा उनका ATM कार्ड बदल लिया गया और उसके बाद उनके खाते से लगभग 70,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए गए। जब ये बात ब्रांच में बताई गई तो उसके बाद उन्हें दिलासा दी गई कि जल्द ही इसका समाधान निकलेगा, लेकिन 10-12 दिन गुजर जाने के बाद भी किसी तरह की कोई मदद नहीं हुई। ATM में हसन बैंक में गए तो ATM चेंज कर लिया गया और दूसरा उन्होंने दे दिया। उन्होंने फिर दूसरे दिन ATM से ट्रांसफर कुछ पैसे करे, 70,000 रुपये बैलेंस था तो उसमें टोटली पूरा बैलेंस हमने ट्रांसफर कर लिया। क्या करा पूरा हमने देखा तो जीरो बैलेंस था। फिर हम गए वहाँ बैंक में, तो बैंक में डिटेल निकलवाई तो वहाँ 211 रुपये मात्र थे बैंक में। उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखवाने गए हम, तो वहाँ लिख ली रिपोर्ट, बोले हाँ होगी खान मतलब कार्रवाई होगी, आपकी सुनाई होगी। तो हम वेट करते रहे उनका, 10-11 दिन हो गए, जब तक वहाँ कुछ नहीं हुआ तो फिर हम छतरपुर आए, बोले कि आप SP ऑफिस जाइए वहाँ आपकी सुनाई होगी। तो यहाँ तक आए और प्लीज हमारी कोई मदद की। आज की सिटी बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से देख लेते हैं आज की सुर्खियाँ। गोचर भूमि पर बन रही लोटस सिटी पर लोगों ने की रोक लगाने की मांग, SDM ने दिए जांच के निर्देश। युवक की मौत के बाद नेशनल हाईवे पर किया गया चक्का जाम, TI के साथ ग्रामीणों ने की झूमा चटकी। गौरगाय पटवारी पर युवक ने लगाए रिश्वत मांगने के आरोप, कुएं के सीमांकन के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत। और गांधी आश्रम में चल रही है अभिनय कार्यशाला, दिल्ली से आए हुए एक्सपर्ट सिखाएंगे अभिनय की बारीकियां। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा छतरपुर की ओर से पिछले वर्ष की तरह इस बार भी एक्टिंग की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आने वाली इस कार्यशाला के माध्यम से विशेषज्ञों द्वारा सिखाए जाएंगे अभिनय के गुर। रंगमंच की इस कार्यशाला में आप सीख पाएंगे स्पीच वेरिएशन, बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के गुर। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के पास आउट
विशेषज्ञों द्वारा 20 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला के माध्यम से अभिनय की बारीकियों के अलावा कार्यशाला के अंत में होगा एक प्रोडक्शन और साथ ही साथ एक टेली फिल्म का निर्माण। कार्यशाला में भाग लेने के लिए संपर्क करें गांधी आश्रम छतरपुर या फिर इन नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है। याद रखें, अगर आप में भी है अभिनय की क्षमता और आप उसमें लाना चाहते हैं और भी निखार, तो आपके लिए है ये एक्टिंग की कार्यशाला। रजिस्ट्रेशन की तारीख है सिर्फ 22 और 23 अप्रैल 2014 ही हैं। स्थान सीमित है, इसलिए जल्द संपर्क करें। आवश्यक सूचना। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक 31 दिसंबर 2015 के पूर्व छतरपुर शहर सहित देश भर के सभी छोटे शहरों में केबल नेटवर्क डिजिटलाइजेशन प्रक्रिया पूरी की जाना है। इन्हीं निर्देशों के मुताबिक छतरपुर में भी केबल नेटवर्क द्वारा संचालित हो रहे टेलीविजन का सर्वे शुरू होने जा रहा है। ग्राहकों को अपने केबल ऑपरेटर को घर में संचालित केबल नेटवर्क की टेलीविजन की सही जानकारी देनी होगी, तभी उन्हें सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध हो पाएगा। छतरपुर में संचालित हो रहे पेप्टिक केबल नेटवर्क एवं भी केबल नेटवर्क के संचालक विनय चौरसिया एवं दुर्गेश खरे ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार के केबल नेटवर्क डिजिटलाइजेशन आदेश को पूरा करने की दिशा में शीघ्र ही शहर में मौजूद सभी केबल टीवी का सर्वे शुरू कराया जा रहा है। उन्होंने ग्राहकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने केबल ऑपरेटर को घर में केबल से चलाई जा रही टेलीविजन की सही जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि उन्हें डिजिटल प्रसारण के लिए अनिवार्य होने वाले सेट टॉप बॉक्स को उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने बताया कि जिन टीवियों में सेट टॉप बॉक्स लगा होगा, सिर्फ उन्हीं में केबल का प्रसारण हो पाएगा। केबल ऑपरेटर्स के पास दिसंबर तक पूरे शहर को सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराने के लिए कम समय बचा है, इसलिए ग्राहकों से अपील है कि वे अपनी टेलीविजन की जानकारी ऑपरेटर को उपलब्ध कराएं, ताकि उनके लिए सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध कराया जा सके। यानी दिसंबर तक ग्राहक को सेट टॉप बॉक्स नहीं मिला तो उनके टेलीविजन पर केबल सेवा बंद हो जाएगी।